हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई बहुत ही दिग्गज कंपनी जिसका नाम है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज आई थी, तो पूरे जितने भी क्वेरीज थे उसी को समअप करके वीडियो मैंने यहाँ पे बता दिए। सो चलिए एक एक हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे चार्ट पैटर्न से रिलेटेड। अशोक लेलैंड का चार्ट पैटर्न मैंने ओपन कर दिया है। फिलहाल आज के दिन की बात करें तो आप देख सकते 1.10%, 1% से ज़्यादा की जंप हम लोगों को देखने को मिली। 78 के यहाँ पे क्लोजिंग है। एंड आज के दिन का महत्व अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को बताएं कि जैसे ही कोई भी मंथ खत्म हो जाता है उसके नेक्स्ट विद इन 2 to 3 days के अंदर ही हम लोगों को जो भी ऑटो सेक्टर की जो कंपनियाँ होती है वो अपने पिछले मंथ के जो सेल्स के आंकड़े वो प्रेजेंट कर देती है। सो आप सभी देख सकते हो कि आज का दिन इसीलिए महत्व था क्योंकि अशोक लेलैंड ने अपने जो जैन 2020 के जो सेल्स के यूनिट्स के आंकड़े हैं वो बाजार के सामने रख दिए हैं। सो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि रिजल्ट कैसे रहे, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट ड्यूरिंग द मार्केट है एंड उसी के बाद हम लोगों को 1% से ज़्यादा की जंप देखने को मिली है। अगर बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि जिस तरीके से ऑटो सेक्टर में स्लोडाउन चल रही है तो ऑलरेडी सभी लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेड थे कि रिजल्ट इनके अच्छे नहीं आएंगे, जो यूनिट्स रहेंगे वो नेगेटिव में ही आएंगे। बट स्टिल यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं थोड़े से मैनेजेबल यहाँ पे नंबर्स कंपनी ने बता दिए एंड उसी का नतीजा अशोक लेलैंड के चार्ट पैटर्न पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है जो कि पॉजिटिव में क्लोज हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अभी हम लोग देख लेते हैं कि अशोक लेलैंड के एक्चुअल में नंबर्स कैसे आए हैं जो कि जैन 2020 के वहाँ पर उन्होंने यूनिट्स सेल किए थे। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो हम लोगों ने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये लेटर डाउनलोड किया है। आप डेट भी चेकआउट कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो 3 फेब 2020 जहाँ पे उन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सचेंजेस को फाइल किए। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ज़्यादा कोई बड़े रिजल्ट नहीं है। सबसे पहले अगर आप देखोगे ये सेल्स यूनिट्स की बात करें एंड डोमेस्टिक लेवल की बात करें एंड यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हो जैन 2020 पिछले मंथ के 31 दिन में कंपनी ने कितने सेल किए। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें तो जैन 20 एंड जैन 19, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस ये कंपैरिजन हुआ है। वापस मैं आप लोगों को शुरुआत में ही बता देना चाहता हूँ, कोई इसमें शॉकिंग बात नहीं है। सभी लोगों को पता है कि नंबर्स खराब ही आएंगे। इनफैक्ट नॉट ओनली अशोक लेलैंड, बाकी जितने भी अगर हम लोग देखते हैं ऑटो सेक्टर से जुड़े हुए कंपनी, उनके रिजल्ट हम लोगों को 90% कंपनी के खराब ही देखने को मिलने वाले। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स जिसमें ट्रक्स आते हैं, सो यहाँ पे आप नंबर देख सकते हो 4837 यूनिट्स। इस मतलब पिछले क्वार्टर का अगर हम लोग बात करें, मंथ्स की बात करें, इतने यूनिट्स सोल्ड हुए थे 2019 में, ये 12,000 हुआ करते थे। सो बट ऑब्वियस यहाँ पे गिरावट हो चुकी है, 60% तक की गिरावट हम लोग कह सकते हैं। बट मार्केट ऑलरेडी इसको एक्सपेक्टेड था कि इतनी ज़बरदस्ती गिरावट होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये स्लोडाउन से ये सेक्टर चल रहा है वहाँ पे हम लोगों को नंबर्स अच्छे आते हुए देखने को नहीं मिल सकते। उसी के साथ साथ मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें, वहाँ पे बसेस की बात करें तो बसेस के आंकड़ों में अच्छा खासा सुधार आ चुका है। 1621 ये जैन 2019 में हुआ करता था, बट अभी 2112 इतनी यूनिट्स यहाँ पे बेची गई है, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि बस सेगमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया, 30% तक की ग्रोथ यहाँ पे बता दी है। सो टोटल अगर हम लोग मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें, जो कि पहले 13,663 यूनिट्स बेचा जाया करती थी जैन 19 में, जो कि जैन 20 में सिर्फ 6,949 ही सोल्ड हो पाए हैं। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को कहा था जो आखिर के जो क्वार्टर रहने वाले, जो मंथ्स रहने वाले, जितना आप अगर देखोगे कि अप्रैल से पहले वो बहुत ही टफ रहने वाले ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी एंड स्पेसिफिकली जो कंपनी ट्रक्स एंड बसेस में मतलब मैन्युफैक्चरिंग करती है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, सो मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में 49% तक की गिरावट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है फॉर द पीरियड ऑफ अ मंथ में। अगर आप लोग आगे की बात देखोगे LCV, तो अगर यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो 4870 यूनिट्स सोल्ड हुआ करती थी, जो कि घट के अभी 3901 यूनिट सोल्ड हुई है। 20% तक की गिरावट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों, यही आंकड़ा अगर आप लोगों को क्यूमुलेटिव इसमें देखना है, क्यूमुलेटिव मतलब अभी तक जो सारी चीज़ें हो उसको ऐड करके अगर आपको नंबर्स देखना है तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। बट यहाँ पे भी सिमिलर नंबर है दोस्तों, 48% तक की गिरावट ट्रक्स के इसमें देखने को मिल रही है, बट बसेस ने अच्छा परफॉर्मेंस दिए जो कि 22% तक की बढ़ोतरी बता रही है। अगर लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो क्यूमुलेटिव में भी 5% तक की गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल टोटल व्हीकल्स अगर हम लोग सिर्फ डोमेस्टिक लेवल की बात करें तो 41% तक की गिरावट है फॉर द पीरियड ऑफ मंथ एंड क्यूमुलेटिव में यही जो रिकॉर्ड है वो 29% तक नीचे गिर चुका है। वापस आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर कोई नॉर्मल कंपनी का अगर ऐसा डेटा आता सो डेफिनेटली स्टॉक गिरना चाहिए था, बट ऑटो सेक्टर में ये सारी
सारी चीज़ें आप सभी लोगों को पता है ऑलरेडी मंदी है ऑटो सेक्टर में। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो इंटर कंट्री में भी बहुत सारी चीज़ें मंदी में जा रही है। बहुत सारे ऑटो सेक्टर की जो प्लांट्स है वो भी उनको बंद करने को पड़ रहे हैं क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस नहीं हो पा रहे, क्योंकि नए गवर्नमेंट ने जो पॉलिसियाँ लाई थी, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड रूल्स लाए थे, लोडिंग कैपेसिटी से रिलेटेड जो नए रिफॉर्म्स लाए थे, जो चीज़ें लाई थी वो ऑटो सेक्टर को बुरी तरीके से अफेक्ट कर चुकी थी। सो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थी एंड बाजार ऑलरेडी पकड़ के चल रहा था कि इनके रिजल्ट खराब आएंगे, बट उसके बावजूद हम लोग कह सकते कि बाजार ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स ज़रूर दिखाया है। सो दोस्तों थोड़ा सा आगे आ जाते हैं डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट्स की, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। सो सिमिलर काइंड ऑफ ना डेटा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। टोटल अगर मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो 47% डाउन है फॉर द पीरियड ऑफ अ मंथ। क्यूमुलेटिव की बात करें तो 39% डाउन है। टोटल व्हीकल्स की बात करें इंक्लूडिंग लाइट कमर्शियल व्हीकल्स तो ये 40% तक गिर चुका है एंड 29% तक क्यूमुलेटिव बेसिस के ऊपर गिर चुका है। सो सारी चीज़ें अगर हम लोग देखेंगे जो ओवरऑल जो इनके मेल नंबर्स है वो हम लोगों को नेगेटिव में ही देखने को मिल रहे हैं, बट उसके बावजूद शेयर ने एक आज 1% तक की जंप बताई है। सो हम लोग कह सकते हैं बाजार ने जो ये नंबर एक्सपेक्ट किए थे उससे थोड़े से बेहतर नंबर यहाँ पे कंपनी ने ज़रूर पेश कर दिए है। तो चलिए दोस्तों सारे नंबर्स देख लिए हम लोगों ने एंड अभी हम लोग आ चुके हैं NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ पे आप अशोक लेलैंड शेयर देख सकते हो। ऑटो सेक्टर की बात करें तो 29.46 का PE चल रहा है, बट अशोक लेलैंड का जो PE वो 17.38 है। सो PE के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी बात है, 78 पे फिलहाल ये स्टॉक चल रहा है। अगर आज के दिन की परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रीवियसली क्लोज हुआ था 77.15 पे, ओपन हुआ था 77 पे, हाई जो इसने बनाया था 79 पे मतलब 79 पे, लो जो इसने बनाया था 74.80 पे एंड क्लोजिंग दिए एग्जैक्टली 78 पे। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते 52 वीक हाई, तो 52 वीक हाई कंपनी का 97.75 का है एंड अगर लो की बात करें तो 56-57 के आसपास का लो है इस कंपनी का, जो कि बहुत ही खराब परफॉर्मेंस से गुजर के कंपनी नीचे जा चुकी थी, बट उसके बाद कंपनी ने अच्छा खासा कमबैक दिखाया एंड आज के दिन की बात करें तो 27% तक की डिलीवरीज यहाँ पे कंपनी में उठाई गई है। अगर कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यह है क्वार्टर वन का रिजल्ट, हम लोग बोल सकते हैं 23,000 था जो कि हम लोगों को क्वार्टर टू में 3,800 इतना रिजल्ट नीचे गिर चुका था, बट ये एक्सपेक्टेड था। सो सिमिलर वे बहुत सारे लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वार्टर थ्री के रिजल्ट ये कंपनी के कब आने वाले। सो BSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अगर आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, मैंने आप लोगों को सिखाया है कैसे देखने का है, नए चैनल पे वीडियो भी आ गया था, बट चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आपके सामने अभी आ चुके अशोक लेलैंड के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट, 12 February 2020 इस दिन कंपनी के रिजल्ट आने वाले। सो ये दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा जिनके पोर्टफोलियो में ये शेयर है एंड अगर आपके नहीं भी रहेगा पोर्टफोलियो में तो ये भी दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी जो कि सिर्फ अपने लिए काम नहीं बल्कि देश के लिए भी काम करती है, क्योंकि मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो अशोक लेलैंड के डिफेंस में भी बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है, बीच में इन्हें टेंडर भी जीता था अगर हम लोग पिछले 2 साल की बात करें। सो इंडियन आर्मी को भी ये क्या करती है जो अपने व्हीकल्स है वो बना के यहाँ पे प्रोवाइड कर देती है। आप चाहो तो विकीपीडिया पे इनके डिटेल्स पढ़ सकते हो तो आप लोगों को अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा। बताने का मकसद ये है कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है। वापस हम लोग NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अभी बात कर लेते हैं। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 51% तक के शेयर प्रमोटर्स के पास है। नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हो गिरवी कितने रखे, सो अप्रॉक्सीमेटली 9% के आसपास 10% के आसपास के शेयर यहाँ पे गिरवी रखे हुए। सो आप सभी लोगों को पता है ये परसेंटेज 20-25% चला जाता है तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बट अशोक लेलैंड का अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखें एंड अगर ये डेटा देखें तो सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक ठाक ही नज़र आ रही है। तो चलिए दोस्तों उसी के साथ साथ ये सारी चीज़ें हम लोगों ने तो देख ली, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अशोक लेलैंड में देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है अशोक लेलैंड ने बीच में पार्टनरशिप भी की थी एंड पार्टनरशिप का मकसद यही था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके वो कंपनी काम करे, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जाए। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड उन्होंने जो पार्टनरशिप की थी वहाँ पे जो उनके बसेस बनने वाले वहाँ पे क्विक चार्ज हो जाएंगे, तो अच्छे खासे वो कंपनी अपने जो कस्टमर रहेंगे उनको सर्विसेज दे पाएंगी, जो कि उनका वो एक टारगेट बना था। उसी के साथ साथ डिफेंस से रिलेटेड अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि अशोक लेलैंड डिफेंस से रिलेटेड भी व्हीकल्स बनाती है जो कि अच्छा खासा काम वो करते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की तो अशोक लेलैंड को ऑलरेडी 500 बसेस का ऑर्डर मिल चुका था। उसी के साथ साथ अगर हम लोग अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद से भी उन लोगों को 50 बसेस इलेक्ट्रिक व्हीकल की, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक बसेस की, यहाँ पे उन लोगों को ऑर्डर मिल चुका था एंड जो अपनी ये फर्स्ट बेस्ट दौड़ाने वाले वो है 1 अप्रैल 2020
20 को ये ऑफिशियल डेट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल बस ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, बट वो हम लोगों को ऑफिशियली नहीं देखने को मिली है, एज एन ए ट्रायल बेस देखने को मिली है। बट यहाँ पे कंपनी ने कह दिया कि 1 अप्रैल से हम लोग यहाँ पे बस दौड़ाना शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, एंड उसके बाद इस कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर आ भी सकते हैं। सो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस भी अच्छा जा रहा है, बट उसी के साथ साथ अभी कंपनी की बैलेंस शीट भी देख लेते हैं, सो आप लोगों को और भी अंदाज़ा एंड क्लियरिटी मिल जाएगी। सो अशोक लेलैंड की बात करें तो रिजर्व्स, कंपनी के रिजर्व्स देख सकते हैं दोस्तों, 5,800 करोड़ से बढ़ के 6,900 करोड़ से बढ़ के अभी 8,000 करोड़ के रिजर्व्स कंपनी के पास है, जो कि एक अच्छा डेटा है। उसी के साथ साथ थोड़ा सा हम लोग और आगे जाते हैं, जो कि है कंपनी के ऊपर कर्जे की बात, डेप्ट की बात करें तो कंपनी के ऊपर पहले बहुत भारी कर्जा हुआ करता था, अप्रॉक्सीमेटली 1,300 करोड़ का कर्जा हुआ करता, जो कि कंपनी घटा के 612 करोड़ कर दिया, एंड वहाँ से वापस घटा के सिर्फ अभी 400 करोड़ के आसपास का कर्जा कंपनी के ऊपर बचा हुआ है। सो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी अपना कर्जा कम करने में यहाँ पे बैठी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग कर्जे को देख के ही निवेश करने को पसंदीदा देते हैं, जहाँ पे ज़्यादा कर्जा होते हैं वो यूजुअली वो स्टॉक को अवॉइड करना पसंद करते हैं। सो अभी हम लोग आ जाते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस के ऊपर, 900 करोड़ का कैश एंड बैंक बैलेंस था, जो कि 1,000 करोड़ का हो गया, एंड उसके बाद आप देख सकते हो 1,373 करोड़। सो कंपनी का कैश एंड बैंक बैलेंस भी यहाँ पे बढ़ रहा है। सो ओवरऑल बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात करें, जो हम लोग हाइलाइट्स के फॉर्म में देखते हैं, सो कंपनी के रिजर्व्स बढ़ने चाहिए तो कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे, येस बढ़ रहे, कंपनी के कैश एंड बैंक बैलेंस भी बढ़ना चाहिए, वो भी बढ़ रहा है, एंड कंपनी के अगर डेप्ट है तो क्या कम हो रहा है, येस कंपनी का डेप्ट भी कम हो रहा है। तो तीनों चीज़ें हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी, जो कि एक बैलेंस शीट देखते हुए हम लोग कह सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाए तो कंपनी की हिस्ट्री भी देख लेते, जहाँ पे कंपनी ने 2 बार अपने शेयर होल्डर्स को बोनस भी दिया है, एंड 1 बार यहाँ पे इनका स्टॉक स्प्लिट भी हो चुका है। तो ये सारा चीज़ें अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि अशोक लेलैंड ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया था, बट ड्यू टू दैन एक्सटर्नल फैक्टर्स, एंड हम लोग कह सकते हैं कि इंटायर जो ऑटो सेक्टर था वो डाउनग्रेड में आ चुका है। मतलब अगर आप 5 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे तो स्टॉक बहुत ही अच्छा खासा 160-165 लेवल पे चल रहा था, बट उसी के बाद हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले शुरुआत यही सी हुई थी, जहाँ पे लोडिंग कैपेसिटी से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज़ सामने आई, एंड उसके बाद हमेशा के लिए ये हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑटो सेक्टर में गिरावट थी वो कंटिन्यू रही, जो कि आज तक बनी हुई है। अभी भी सरकार से बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए के बैठे हुए कि ऑटो सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ अच्छी बातें ज़रूर सामने आएगी, एटलीस्ट स्क्रैपेज पॉलिसी से रिलेटेड तो बात ज़रूर सामने आएगी। अगर कोई निराशाजनक वाली बात है तो वो एक ही बात थी कि बजट से रिलेटेड, बजट में बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी थी, बहुत सारे एक्सपर्ट ने भी कहा था कि ऑटो सेक्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ अच्छी बात ज़रूर सामने आएगी, बट ऐसी कोई भी चीज़ हम लोगों को बजट में ऑटो सेक्टर से रिलेटेड एज पर द एक्सपेक्टेशन नहीं देखने को मिली, जिसके वजह से अच्छे खासे चलने वाले ऑटो सेक्टर के स्टॉक वापस हम लोगों को नीचे जाते हुए देखने को मिले थे। बट आप सभी लोगों को पता है ये थे एक्सटर्नल न्यूज़, सो एक्सटर्नल न्यूज़ का जो इम्पैक्ट होता है वो टेम्पररी होता है या फिर थोड़ा सा बढ़ के होता है, बट वो कंपनी को फंडामेंटली ख़राब नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी वापस कमबैक जरूर करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को वो चेंजेस करने पड़ते हैं, एंड जैसे मैंने कहा कि कंपनी के ऊपर जो फोकस है वो था इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, सरकार चाहती थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जाए, एंड उसी से रिलेटेड कंपनी ऑलरेडी अभी काम कर रही है, एंड जस्ट अभी आने वाले 3 महीने के बाद हम लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड इनके जो सेल्स है वो भी देखना शुरू हो जाएंगे। सो उसके बाद अगर कंपनीज को वापस ऑर्डर मिल जाते हैं सो डेफिनेटली इनके जो नंबर्स है वो सुधरना शुरू हो जाएंगे, एंड इवेंचुअली वो क्या हो जाएगा, शेयर के प्राइस में भी हम लोगों को जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। सो ओवरऑल यही कहना चाहूँगा कि सेल्स जो सारा डेटा था मैंने आपके सामने रख दिया, जो इनके सेल्स जैन 20 के जो नंबर्स थे वो आपके सामने रख दिए, उसी के साथ साथ Q3 के रिजल्ट 12 फेब को है वो भी आपके सामने रख दिए, उसी के साथ साथ इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं कि आगे फ्यूचर में ये कंपनी क्या कर सकती है वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दी है। सो ओवरऑल वीडियो को क्लोज करते हुए यही कहना चाहूँगा, आई होप आशा करता हूँ वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।